संभावित बाढ़ के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य के हेतु एसओपी अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में शासन द्वारा वर्षा ऋतु में शहरी बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए जारी एसओपी का अनुसरण कराए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों के अंतर्गत ईओएसी की स्थापना तथा समन्वय, जल जमाव क्षेत्रों का चिन्हीकरण तथा जल जमाव वाले वार्ड जोन में वार्ड कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए तथा कहा कि वार्ड कमेटी में संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। कमेटी के संचालन हेतु प्रभारी अधिकारी नामित किए जाएंगे। उन्होंने इस कार्य में लगे विभागों के उत्तरदायित्व एवं कार्यों में विस्तार से चर्चा की तथा कहा कि महानगर में स्थापित बंधों एवं रेगुलेटर तथा आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम, जीडीए, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, दूर संचार, जलकल, सिंचाई एवं बाढ़ विभागों का आपसी समन्वय आवश्यक है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि महानगर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो सके, इसके लिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा नाले नालियों का एक अभियान के तहत अतिक्रमण हटाए जाए तथा नाले नालियों की सफाई सुनिश्चित हो और मलबे शीघ्र हटा दिए जाएं। उन्होंने पॉलीथीन प्रयोग पर प्रतिबंधित करने के साथ ही कहा कि इसका वातावरण पर कुप्रभाव पड़ता है और इसका प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम पूरी तरह क्रियाशील हो, उसमें रोस्टर के अनुरूप ड्यूटी लगाई जाए। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि वे जनमानस के कॉल अटेंडेंट करें और यदि ट्रांसफार्मर खराब होता है तो निर्धारित समय सीमा के अंदर बदल दें। उन्होंने बंधों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने तथा इस पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिया कि बालू की बोरियां पर्याप्त मात्रा में संरक्षित करें ताकि बाढ़ के समय पर उसका उपयोग किया जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सभी उप जिलाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। कितने दिन में सही कर पाएंगे सर? हम 2 दिन लगे इस बार काम चलाए, उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा। वैसे वो बंदा भी वाइडनिंग में है ना, वाइडनिंग में है वो, पूरा आपका काम भी करा है पूरा बंदे में। बरसात के बाद करेंगे शायद, सर्वे तो कर रखा है। अच्छा, कितने परिवार होंगे? सर याद नहीं है, लेकिन कंसंट्रेट उधर हो रखा है आपका, जिस उधर जो कोलिया बंदा है उसमें मिट्टी का काम कर रहा है, जिससे कि वो बरसात के पानी तैयार हो गया। किधर कर रहे हैं? कोलिया से लेकर के वहाँ फोड़ने में मिलेगा बंदा, बंदा पूरा 7 किलोमीटर का। ये बंदे के काम भी ये ले लिया, उस पर आप लोग एस्टिमेट मत भेजोगे? नहीं नहीं, उसको काम पर ड्यूटी कैसी है?